महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे कि विदुर, संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर नरक भोगते रहते हैं, स्वयं भी दूसरों से कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो नरक में ही बीत गई। अब लगता है ये जीवन नरक में ही बीत जाएगा, कोई उपाय नहीं। उनसे कौन सी गलती होती है जो उनकी जिंदगी नरक में बीतती है? उनसे 6 गलतियां होती हैं जो मनुष्य 6 प्रकार की गलती करता है, वो जीते जी नरक भोगने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और जो 4 बातों को संभाल लेता है वो जीते जी स्वर्ग भोगता है, और जो 2 बातों को संभालता है वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाता है। जिनको नरक भोगने में संतुष्टि है उनको तो कुछ सुनने समझने की जरूरत नहीं, वे जहां हैं वहीं ठीक है उनको। लेकिन जो नरक से स्वर्ग में जाना चाहते हैं उनके लिए तरकीब बताई जाएगी। तो वे कौन कौन सी 6 गलतियां हैं जिनसे मनुष्य की जिंदगी नरक बन जाती है? 1, अत्यंत कोपा। 2, बताता हूं, जिनको अत्यंत क्रोध आता है, मतलब छोटा मोटा क्रोध नहीं, अत्यंत क्रोध, अति क्रोध, जो क्रोध आने पर अपने माता पिता की मर्यादा को भी तोड़ देते हैं, बड़ों की मर्यादा को छोड़ देते हैं, जो क्रोध आने पर अपने कर्तव्य और धर्म को भूल जाते हैं, जिनको याद नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अति क्रोध आ जाता है, वे लोग जीते जी नरक भोगते हैं। क्रोध भी कई प्रकार का होता है, कई बार क्रोध में तुम अपनी जिंदगी के लिए भी गलत फैसला लेते हो। कभी कभी राजनेताओं को भी क्रोध आता है, क्रोध में वो पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या कि नई पार्टी बना लेते हैं, 2-4 साल धक्का खाते हैं, फिर जिस पार्टी को छोड़ा था बेशर्मी के साथ उसी पार्टी में फिर आते हैं। तब पत्रकार छापता है कि सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए, भूला नहीं कहा जाता है बल्कि उसको गधा कहा जाता है। वापस आ गए शाम तक,
जिंदगी का फैसला, जिंदगी का डिसीजन। जब किसी महिला को क्रोध आता है, अति क्रोध आता है, तो अपने पति को छोड़कर गठरी बांधकर लहंगा साड़ी लेकर मायके में डेरा डाल देती है और नखरा दिखाती है कि मैं नहीं आऊंगी। पति भी यदि अति क्रोधी है तो वो भी अड़ जाता है कि मैं लेने भी नहीं आऊंगा। दोनों क्रोध में एक एक पाली में बैठे हैं। चंडिका देवी मायके में बैठी है और चंदूलाल अपने घर में बैठे। गृहस्थी बिगड़ रही है, क्रोध। कभी कभी किसी साधु को क्रोध आता है। साधु गुरु का सानिध्य छोड़कर अपने घर चला जाता है, कहीं और चला जाता है, कुसंग में पड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है, चरित्र और वैराग्य ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, बेज्जती के घूंट पीता है, फिर पछताता है। गुरु जी यदि बुला लेते तो ठीक था। गुरु भी नियम बनाकर बैठा है कि बिका माल वापस नहीं होगा। गया हुआ चेला वापस नहीं होगा, नो एंट्री, रिटर्न नहीं होता। ये शिष्य का क्रोध, साधु का क्रोध उसकी पूरी जिंदगी की दिशा को मोड़ देता है। कभी कभी लेबर कर्मचारी को क्रोध आता है, झटके से अपना थैला उठा लेता है और मालिक से कहता है मैं जा रही हूं। है तो पुरुष पर स्त्री की भाषा बोलता, मैं जा रही हूं। मालिक कहता है मत जाओ, काम बिगड़ जाएगा, रुक जाओ। नहीं नहीं अब बस हो, जा रही हूं। चला गया, घर में गया, महीना दो महीना जो पैसे थे खर्च किया। घर के लोग कहने लगे कहीं कमाने के लिए जाओ, घर में कहां तक बैठोगे। फिर कमाने के लिए निकले, उसी मालिक के पास आए, बेइज्जती के साथ निवेदन किया कि मुझे फिर से नौकरी दे दो, मैं वही मूर्ख हूं जो दो महीना पहले क्रोध करके चला गया था। अर्थात क्रोध से जिंदगी नहीं चल सकती है, क्रोध से किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। क्रोध करने वाले लोग क्रोध के नशा के उतरने के बाद पश्चाताप की ज्वाला में जलते हैं, ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं जिससे जिंदगी भविष्य में तबाह हो जाती है। इसलिए क्रोध को ठंडा करो और सहनशीलता को बढ़ाओ, विवेक से डिसीजन लो, अन्यथा जिंदगी नरक बन जाती है।